लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है। ये बात लिखी गई थी और कही गई थी राहत इंदौरी द्वारा, मगर आज बिहार की राजनीति में आया हुआ भूचाल ने ये साबित कर दिया कि कोई भी लिखी गई बात लेखक और कविताओं के जरिए जो लेखक लिखते हैं वो राजनीति में सटीक भी होती है। और सटीक यह हुई कि आरसीपी सिंह को जदयू ने ही सो कॉल नोटिस जारी कर दिया और पार्टी से बाहर निकालने का ही बेड़ा नहीं उठाया है, सीधे उन पर 40 बीघा जमीन और ऐसी तमाम बातें तो वह कर ही चुके थे। मगर बातें यह आ रही है कि आरसीपी सिंह जदयू और ललन सिंह उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कुछ ऐसी बातें सामने लाने वाले थे, मगर उससे पहले ही ललन सिंह को पता चल जाती है और वो बातें वह जदयू के जरिए और जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष जदयू के उमेश कुशवाहा के जरिए तमाम बातें सामने आ गई। अब उन्होंने पत्र के जरिए जवाब मांगा है, मगर अभी तक वो पूर्णतः लिखित जवाब आरसीपी सिंह के द्वारा जदयू के पास नहीं आया है। मगर ढाई दशक पुरानी दोस्ती नीतीश कुमार से जो चलते आ रही थी, मोदी सरकार में मंत्री बनने के बाद ये कह सकते हैं कि उसी समय से कड़वाहट आई और अंततः आज यह हुआ कि उनके ही जिले से आने वाले आरसीपी सिंह के खिलाफ पूरी जदयू की पार्टी आज लग गई है और दो धड़ों में भी बंटने की अधिक संभावना है आरसीपी सिंह को लेकर। अब बता दें कि वह क्या कुछ आगे बताने वाले थे आरसीपी सिंह, वैसे बता दें कि उनका प्रोफाइल पिक्चर जो फेसबुक का है वह जैसे बीजेपी नेताओं का है वैसे उनका भी है, ये सिमिलरिटी है। केवल यही नहीं, कई ऐसे बार और भी ट्विटर पर जब उनका प्रोफाइल चेंज हुआ था मोदी सरकार के तारीफ और कसीदे को लेकर, जिस प्रकार से वह मोदी सरकार के विचारों और तमाम चीज़ों के समर्थन में आ रहे थे, उस वक्त भी यह आवाज़ उठी थी, मगर आरसीपी सिंह ने चालबाजी से यह कहते हुए निकल गए कि हम तो भारत सरकार के मंत्री हैं तो मोदी सरकार का या मोदी जी का तारीफ और वहां पर प्रोफाइल पिक्चर क्यों नहीं लगाएंगे। मगर अब जब वह मंत्री नहीं हैं और ऐसी बातें हुई तो ये बातें तो पहले ही दूर चली गई थी कि जदयू में खींचतान कोई आम चीज़ नहीं है, मगर वह चार नाम जो बिहार में आज सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है, एक हैं आरसीपी सिंह और एक उनकी पत्नी गिरिजा सिंह और वहीं लिपि सिंह और लता सिंह जो उनकी दो बेटी हैं, उनकी पत्नी और दो बेटी का नाम कह सकते हैं कि 40 बीघे ज़मीन की ये तमाम बातें यह सामने आ रही है कि जब से वह मंत्री बने हैं और जब से वह राजनीति में आए हैं तब से उनकी यह आकुल संपत्ति इतनी बेतहाशा ढंग से बढ़ी जिसकी कोई नाम लेवा नहीं था। यह दो प्रखंड की बातें आई थी, इस्लामपुर और अस्थामा, मगर नालंदा में और भी प्रखंड हैं और देश में भी और भी जिले हैं, 600 से अधिक जिले हैं और 543 से अधिक लोकसभा हैं, 4000 से अधिक विधानसभा हैं। तो ये बातें समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बातें हैं। आरसीपी सिंह अब क्या करेंगे, क्या वह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों का जवाब देंगे, ऐसी कई कयासें अभी लगाई जा रही है। आरसीपी सिंह अब आर पार के मूड में कब सामने आएंगे, बस क्षण भर की देर है, कह सकते हैं कि अब उनके तरफ से भी जवाब आएंगे। वैसे बता दें कि कई और भी नेता का नाम आ रहा है कि आरसीपी सिंह को ही जदयू ने निशाने पर नहीं लिया है, बल्कि अब निशाने पर वह नेता भी हैं नीतीश कुमार, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा, ये तीन नेता जो जदयू के कह सकते हैं कि टॉप मोस्ट हैं, उनके खिलाफ भी क्या खुलासा कर सकते हैं आरसीपी सिंह या आरसीपी सिंह के गुट के अलग अलग नेता, क्या उनके खिलाफ और भी बातें ला सकते हैं। यह भी एक बड़ा मार्केबल पॉइंट है कि अब आरसीपी सिंह किसका नाम लेंगे। बिहार में आई सियासत के बीच जिस प्रकार से राजभवन से लेकर तमाम मंत्रियों तक जो खबरें दौड़ रही है वह यही दौड़ रही है कि जिस प्रकार से मुलाकात होती है 1996 में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह का, उसके बाद उनके मंत्रालय के तहत वह अधिकारी रहते हैं और फिर 2010 में वह जदयू में VRS देकर, नौकरी से वॉलंटियर सर्विस रिटायरमेंट देकर जदयू में चले जाते हैं, वहाँ पर राज्यसभा भेजी जाती है, 10 से 16 तक रहते हैं और 16 से 22 तक, मगर उसके बाद रिचार्ज नहीं हो पाया और अंततः हश्र यह हुआ, कहा यह गया कई जदयू के सीनियर नेताओं से, भले ही मंच पर और तमाम जगहों से उनके प्रवक्ता न कहते हों मगर जदयू के लगभग
दर्जनों बड़े नेता यह कहते हुए नजर आए कि आरसीपी सिंह जो भी कर रहे हैं वह गलत कर रहे हैं और बीजेपी के करीब जाने का संकेत कई बार मिला मगर जदयू कार्रवाई नहीं करते हुए नजर आई। मगर अब न सीबीआई न ईडी जदयू ने जीरो टॉलरेंस और न हम किसी को बचाते हैं न हम किसी को फंसाते हैं कि नीति पर जिस प्रकार से नीतीश कुमार की राय विचार या कह सकते हैं कि नीति सिद्धांत की बातें जब वह करते हैं जिनसे भी उनकी अनबन हो जाए या दुश्मनी हो जाए तो वहाँ पर यह फार्मूला ज़्यादा लगता है। वैसे राजनीति फार्मूला वेस्ट होता है, जब तक आप हमारे लिए बेहतर हैं जब तक आप हमारे लिए काम कर सकते हैं या हमारी बातें पढ़ रही है तब तक कई फार्मूले भूल जाते हैं, मगर अब यह फार्मूला लगा है। तो क्या ललन सिंह पर भी ऐसा खुलासा हो सकता है? तो क्या उपेंद्र कुशवाहा पर भी ऐसा खुलासा हो सकता है? तो क्या नीतीश कुमार पर भी खुलासा हो सकता है? तो क्या जदयू के और भी मंत्रियों पर भी खुलासा हो सकता है? नालंदा से ही और भी कई नेता और मंत्री आते हैं, कई पुराने साथी हैं नीतीश कुमार के, क्या उनके भी खुलासे हो सकते हैं? ऐसे कई सवाल और शंका कई जदयू के मंत्रियों पर भी लग रहा है कि अब किनका खुलासा हो जाएगा। पल भर में ही देखेंगे कि आरसीपी सिंह जदयू के करीबी नहीं जा रहे, जदयू के साथ भी चले गए। वैसे पहले भी ललन सिंह कह चुके हैं कि हमारे लिए 2020 के विधानसभा में बड़ा षड्यंत्र हुआ था, इसी कारण से 43 सीटें आई थी। वह इशारा कर रहे थे चिराग पासवान की तरफ, वह बदला तो उन्होंने 5 सांसदों को उनको तोड़कर और एक विधायकों को अपने मिला कर लिया था, वो अलग बातें हैं। अभी आरसीपी सिंह की बातें हैं, यह चार नाम आरसीपी सिंह और उनकी पत्नी और दो बेटी का आज बिहार में कह सकते हैं कि पूरी संपत्ति जोड़ाई जा रही है, पूरे उस प्लॉट नंबर, प्लॉट खाता नंबर, खेसरा नंबर, वो तमाम चीज़ें जोड़ाई जा रही है इस्लामपुर से लेकर अस्थामा तक की। अब आगे की कार्रवाई भी हो सकती है क्या? ऐसी भी कई बातें हैं, अलग अलग बातें हैं। जिस प्रकार से 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपया तमाम मंत्री और आईएएस के घर पकड़ा रहे हैं, और आरसीपी सिंह जनाब तो दोनों चीज़ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं और जदयू के अध्यक्ष तक भी गए हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो क्या ये एक तीर से दो निशाने लगाए जा रहे हैं? ऐसी कई बातें हैं, आप बने रहिएगा झकास भारत के साथ। मेरा नाम हुआ रविकांत, मैं लगातार ये खबरें ला रहा हूँ आरसीपी सिंह से जुड़ी हुई, और अंतिम में राहत इंदौरी की वही शब्द, लगेंगे आग तो आएंगे कई घर जद में, इस शहर में हमारा मकान थोड़ी है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही कहेंगे कि आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत,